इस तस्वीर में आप उस चट्टान को देख सकते हैं जिसमें परसिवेरेंस रोवर ने ड्रिल किया था। इस जगह को साइंसदानों ने बेरिया नाम दिया। इस तस्वीर को परसिवेरेंस रोवर ने 30 मार्च 2023 को कैप्चर किया था। अभी आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं, इसे 993 तस्वीरों को मिलाकर बनाया गया है और इस तस्वीर की पिक्सल रेजोल्यूशन 238 बिलियन पिक्सल्स है। इस तस्वीर में आप सामने वाली सारी साइड को देख सकते हैं। इस तस्वीर को परसिवेरेंस रोवर ने खींचा था। जिस जगह की ये तस्वीर है उसे अरे हिल कहते हैं। इसके बाद इस तस्वीर को देखें, जिसको परसिवेरेंस रोवर ने 13 अप्रैल 2023 को खींचा था। इस जगह को कैस्टल हेनली स्कोप कहा जाता है। इस तस्वीर में आपको हजारों पत्थर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि आज से अरबों साल पहले गोल शेप के पत्थर पानी में जजीरो क्रेटर में बह गए थे, जिनको परसिवेरेंस रोवर फाइंड कर रहा है, और हो सकता है उनमें से कुछ पत्थर इन्हीं पत्थरों में छुपे हों, जिनके मिलने से मार्स के बहुत सारे राजों के बारे में पता चल सकता है। इस तस्वीर को देखें। इस तस्वीर को नासा के मार्स हेलीकॉप्टर इंगिनिटी ने 22 दिसंबर 2023 को अपनी 70 RVI फ्लाइट के दौरान कैप्चर किया। इसमें आप मार्स पर रेत की लहरों को साफ साफ देख सकते हैं। इस तस्वीर को सतह से 39 फीट ऊपर से खींचा गया है। ये तस्वीर वाकई में बहुत कमाल की है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जमीन का रेगिस्तान है। इसके बाद इस तस्वीर को देखें। ये मार्स पर वेलिनोर हिल्स की तस्वीर है। इस तस्वीर को 21 फरवरी 2024 को खींचा गया। इस तस्वीर में मार्स इंगिनिटी को भी देखा जा सकता है। मुझे उम्मीद है आप इस रोवर को देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन वो रोवर ये है। असल में उस दिन इस हेलीकॉप्टर ने 72वीं दफा फ्लाई किया था और फ्लाई के दौरान उसका एक ब्लेड टूट गया और हेलीकॉप्टर वहीं पर गिर गया था। इसके बाद फिर दोबारा से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका। इस पूरी तस्वीर को 76 तस्वीरों से मिलाकर बनाया गया था। इसमें वेलिनोर हिल्स के पूरे एरिया को देखा जा सकता है। इस तस्वीर में आप साफ साफ हेलीकॉप्टर की लोकेशन को देख सकते हैं। जब ये ड्रोन जमीन पर गिरा तो उसने ये तस्वीर खींची, जिसमें आप इसके ब्लेड की शैडोज को देख सकते हो। अभी आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं, इसे 53 तस्वीरों को मिलाकर बनाया गया है। इस तस्वीर को 8 जुलाई 2023 को परसिवेरेंस रोवर ने कैप्चर किया था। इसमें जजीरो क्रेटर के एरिया को देखा जा सकता है। इसके बाद इस तस्वीर को देखें। इसमें आप एक पहाड़ी को देख सकते हैं। इस पहाड़ी पर आपको ये लेयर्स दिखाई दे रही हैं। इन लेयर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें से एक लेयर में पत्थर दिखाई देंगे, जबकि दूसरी लेयर में मिट्टी दिखाई देगी। साइंसदानों के मुताबिक ऐसी लेयर्स तभी बनती हैं जब पानी वहां से गुजरता है, और साइंसदान इस पैटर्न को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हैं। इस पैटर्न से लगता है कि यहां बहुत गहरी नदी बहती होगी। इस तस्वीर में भी आप इन लेयर्स को आसानी से देख सकते हैं, जो देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं। इसके बाद मार्स की इस तस्वीर को देखें, जिसे 6 जून 2022 को खींचा गया था। इस जगह को साइंसदानों ने होन वॉल ऑफ फ्लैट्स का नाम दिया है। साइंसदानों का कहना है कि ये ऐसी चट्टानें हैं जो आज से अरबों सालों पहले यहाँ पानी के नीचे दबी हुई थी। साइंसदानों के मुताबिक अगर अरबों साल पहले यहाँ लाइफ मौजूद थी तो उसके सबूत यहाँ हो सकते हैं, और यहाँ के कुछ सैंपल्स को परसिवेरेंस रोवर ने कलेक्ट किया। अभी आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं, ये बेलवा क्रेटर के अंदर की तस्वीर है, जिसको 22 अप्रैल 2023 को रोवर ने कैप्चर किया था। इस तस्वीर को भी मार्स की 152 मुख्तलिफ तस्वीरों को मिलाकर बनाया गया है। इस तस्वीर में आपको ये चट्टान दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा इस तस्वीर में छोटे छोटे कैप्सूल्स भी दिखाई दे रहे होंगे। असल में ये वो कैप्सूल्स हैं जिनमें परसिवेरेंस रोवर के सैंपल्स को कलेक्ट करके मार्स की सतह पर फेंका है। इसके बाद इस तस्वीर को देखें, जिसे 31 जनवरी 2023 को रोवर ने खींचा। इसमें आप रोवर के टायर के निशानों को आसानी से देख सकते हैं, और साथ ही इसमें आप कैप्सूल को भी देख सकते हैं।
जिसमें मार्स के सैंपल्स मौजूद हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस तस्वीर को 368 मुख्तलिफ तस्वीरों को मिलाकर बनाया गया है। इस तस्वीर में साइंसदानों ने थोड़ा सा कलर ऐड किया था ताकि तस्वीर में मार्स की सतह का सही कलर दिखाई दे। इसके बाद ये उस जगह की तस्वीर है जब रोवर को कुछ टाइम के लिए रोका गया था, क्योंकि उस वक्त मार्स सूरज के पीछे चला गया था और इस वक्त साइंसदानों ने रोवर को कमांड देना भी बंद कर दिया था, क्योंकि सूरज की दूसरी साइड पर सिग्नल बहुत कम पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से कमांड देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सूरज से गर्म गैसेस खारिज होती हैं, जो जमीन से भेजे गए रेडियो सिग्नल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। इस तस्वीर को परसिवेरेंस रोवर के हेलीकॉप्टर ने 22 अप्रैल 2023 को खींची थी। ये तस्वीर बेल्वा क्रेटर के किनारे की है। जिस वक्त हेलीकॉप्टर ने ये तस्वीर खींची, उस वक्त वो 40 फीट की ऊंचाई पर था। इस तस्वीर में हम नासा के मार्स हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं। बारह जुलाई 2022 को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने एक तस्वीर को खींचकर जमीन पर भेजा। वो तस्वीर है ये स्पेक्ट्रम ऑफ द गैस जायंट प्लैनेट WASP-96b। ये प्लैनेट हमारी जमीन से 1150 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार इतनी ज्यादा दूरी पर मौजूद इस सयारे के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया और इससे एक ग्राफ बनाया, जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस स्पेक्ट्रम की मदद से खला में मौजूद सयारों में ये देखा जा सकता है कि क्या उस सयारे पर वाटर, ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, वो उस सयारे पर मौजूद हैं या नहीं। जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इस सयारे के स्पेक्ट्रम ग्राफ की तस्वीर को जमीन पर भेजा, तो उसे देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए, क्योंकि इस ग्राफ में साफ साफ पता चल रहा था कि इस सयारे पर वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं, जिसका मतलब है यहाँ पानी मौजूद है, वहाँ लाइफ के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और ये पहली बार था जब किसी सयारे का ग्राफ बनाकर उसे स्टडी किया गया। उस पहले ही ग्राफ में साइंसदानों को पानी के सबूत मिल गए। अब साइंसदानों को वहाँ बाकी मॉलिक्यूल्स को फाइंड करना था। 2022 में जेम्स की ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। जेम्स ने एक और सयारे को फाइंड किया था जिसका नाम LHS-475b रखा गया था। जेम्स ने इस सयारे का भी स्पेक्ट्रम ग्राफ बनाया था, जिससे ये पता चला कि इस सयारे का एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा थिक है, जिसमें मीथेन गैस बहुत ज्यादा मौजूद है। ये एटमॉस्फेयर सेम वैसा ही है जैसा हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे बड़े चांद टाइटन का है। इसके ग्राफ को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी दूसरी खास बात ये है कि एक रॉकी सयारा है, यानी वहाँ की जमीन रॉकी है। और सबसे खास बात ये है कि इसका साइज हमारी जमीन के साइज के बराबर ही है। इस चीज ने साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, लेकिन ये सयारा हैबिटेबल जोन में मौजूद नहीं है और शायद वहाँ लाइफ भी मौजूद ना हो, लेकिन ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि वहाँ लाइफ है या नहीं, क्योंकि अल्लाह कभी भी लाइफ पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।